नमस्कार, मैं हूं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है एबीटी न्यूज़। कैमरे के पीछे है सऊद अंसारी। मैं एबीटी न्यूज़ यानी अपना भारत टाइम्स की तरफ से आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि कोरोना वायरस से आप स्वयं बचें और अपनों को भी बचाएं। मैं आपसे कुछ खास बात करने जा रहा हूं, आप उस पर ध्यान दें। नोवल कोरोना वायरस यानी COVID COVID-19, आपको इससे सदैव सतर्क रहना है। आप ये ध्यान रखें कि एक बीमार व्यक्ति की लार अन्य चीज़ों को भी प्रभावित कर सकती है, जैसे उनके हाथ, उनके पेन या ट्रेन के अंदर पकड़ने वाला हैंडल इत्यादि भी प्रभावित कर सकता है। दरवाजे का हैंडल, डिजिटल उपकरण जैसे मोबाइल फोन्स वगैरह भी प्रभावित कर सकता है। टिश्यू पेपर्स अगर किसी ने टच कर दिया है, सीढ़ी की रेलिंग्स हैं, कप है, कंप्यूटर का माउस है या अन्य ऐसी चीज़ें भी जिसका अगर कोई किसी व्यक्ति को इस रोग से ग्रसित है, अगर उसने उसको छुआ है तो वो आपको प्रभावित कर सकता है। इसलिए कोरोना वायरस से सतर्क रहने की ज़रूरत है। नोवल कोरोना वायरस से आप खुद सुरक्षित रहें और अपनों को भी सुरक्षित रखें। आप इसमें क्या करें और क्या ना करें ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बार बार हाथ धोएं। जब आपके हाथ स्पष्ट रूप से धुल जाए तभी आप संतुष्ट हों, अन्यथा आप अपने हाथों को साबुन से और पानी से बार बार धोने की कोशिश करें। धोएं। छींकते और खांसते समय अपने मुंह नाक पर रुमाल रखें और रुमाल रखकर मुंह और नाक को ढक ढक कर ही छींकें या खांसें। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आप जब किसी से मिलते हैं तो उनके मुंह पर ना छींकें, अपने हाथों को इस तरह से उठाएं और अगर आपको खांसी आ रही हो तो इस तरह से आप खांसें या अपने रुमाल का प्रयोग करें और रुमाल को मुंह पर लगा के ही खांसें या छींकें। सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सैनिटाइजर यानी जिसमें अल्कोहल होता है, अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग करें ताकि ऐसे वायरस से आप बच सकें। आपको मैं आगे और भी चीज़ें बताना चाहता हूँ कि खुले में जब भीड़ में आप जाते हैं तो भीड़ में जाने से बचें, और यदि बहुत ज़रूरी आपको काम हो, कोई इमरजेंसी हो तभी भीड़ में जाएं, अन्यथा भीड़ में जाने से बचें। भारत सरकार ने सबसे कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये संदेश दिया है कि रविवार को जनता कर्फ्यू है। जनता कर्फ्यू लगाने के पीछे का कारण भी यही है कि आप भीड़ में ना जाएं और अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर में हमेशा साफ सफाई रखें, अपने हाथों को धुलते रहें। अपनों को भी ये एडवाइस दें, ये सलाह दें कि वो अपने हाथों को बार बार धुलें, सैनिटाइजर अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग करें। आपको खांसी और बुखार का अनुभव हो रहा है तो किसी के साथ संपर्क में ना आए, अपनी आँख नाक या मुंह को ना छुएं, सार्वजनिक स्थानों पर भी ना थूकें। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग करें। हम सब साथ मिलकर कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं और इस लड़ाई में जीत भी सकते हैं। आप अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूँगा, कल यानी रविवार को जनता कर्फ्यू है, घर से ना निकलें, घर में रहें और सुरक्षित रहें, साफ सफाई बनाए रखें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के 24/7 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप उस हेल्पलाइन नंबर को नोट कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर है 011-23-97-8046 या आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल कर सकते हैं आप ncov2019@gmail.com। ये सारी जानकारी भारत सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। नमस्कार।